नमस्कार, मैं तुषार रॉय, तुषार रॉय सैक्सोफोन मेरा यूट्यूब चैनल का नाम था और अभी बदल के मैं रन मुरली तराना रखा हूँ। हाँ, आशा करता हूँ आप लोगों को अभी तक जो भी वीडियोस में डाला हूँ उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा। बाकी ज़्यादा लोग तो मेरा चैनल बगैर सब्सक्राइब करके देखते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है, कम से कम देख तो रहे। हाँ, यही तो आप लोगों का प्यार है। तो चलिए, आज भी एक नया और एक गाना, मतलब है तो पुराना गाना पर एक मेरे आप लोगों के लिए नया होगा, हो सकता है जिन्होंने कभी बजाया नहीं हो। हाँ, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ठीक है, इस गाने को आज हम सिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। हाँ, एफ़ मेजर में गाना बजाएंगे। ठीक है, एफ़ मेजर में बजाएंगे। तो इसका लिरिक्स है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तो कहाँ से शुरू होगा ये गाना? शुरू होगा ए से शुरू होगा, एफ मेजर में गाना है। क्या है? प्यार दीवाना, प्यार दीवाना, ए सी प्यार, प्यार दी मतलब ए सी बाना। बाना के लिए क्या जोर है? ए सी बा, ए शार्प, ए वाना। प्यार दी वाना के लिए क्या यूज़ हो रहा है? ए शार्प ए, फिर जी, जी में पंचिंग है, जी ए जी, फिर एफ। ठीक है, प्यार दी वाना, फिर से बजा रहा हूँ यही लाइन सेम। ओके, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। प्यार दीवाना होता है, होता है, होता है, मस। तो होता है में क्या आ रहा है? ए जी मतलब जी 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 ए, फिर जी में पंचिंग, डी शार्प, जी जी ए जी डी शार्प, होता है, होता। मस होता है, मस ताना होता है, ताना होता है, कैसे आएगा? डी शार्प एफ ए जी, मस्ताना होता है, होता है के लिए जी ए शार्प ए होता है। ठीक है, ये लाइन पूरा लाइन मैं फिर से बजा रहा हूँ, स्लोली बजा रहा हूँ, आप लोग देखिए और नोटेशंस को नोट डाउन करके रखिए, उसमें आपको बाद में मदद मिलेगा, और अगर डायरेक्टली कर सकते तो कर लीजिए। ओके, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ठीक है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, तो भी मैं बता देता हूँ पूरा। हर खुशी से ए सी ए शार्प ए जी ए जी डी, ठीक है, ठीक है, सेम जो नोट पहले था वही नोट से, आपको सिर्फ नोटिस करना पड़ेगा इससे पहले क्या लिखा था। ठीक है,
हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हर गम से जी जिए जी बेगाना डी शार्प एफ ए जी ए जी ए जी एफ जी ए जी ए जी एफ। ओके, तो ये दोनों लाइन सेम है, आपको बस समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। ये हो गया, ये मुकड़ा, इतना ही मुकड़ा, इस दोनों लाइन का दो बार रिपीट है, ठीक है। उसके बाद समा कहे परवाना से परवाने से परे चला जा। समा कहे परवाने से परे चला जा, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ए शब सी समा कहे, समा कहे ए एशब सी, ए एशब सी, राइट। परवानों से, तो परवाने में क्या है, दो बार सी हो रहा है, फिर डी आ रहा है, सी सी डी परवानों से, ए शार्प सी ए नो से, ए शार्प सी सी ए, सॉरी ए शार्प सी सी ए। ओके, समा कहे परवानों से, क्लियर। परे चला जा, ए सी ए सी डी डी शार्प, चला परे चला। ओके, ए सी ए सी डी डी शार्प, फिर जाओ, जाओ के लिए क्या आ रहा है, सी डी, ठीक है। ये एक ही चीज़ बार बार बोलना जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सही है, आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो नोट है ये दे सकते हैं एक बार, ठीक है ना, ये भी मेरे टू टाइम है ये गाना, इसमें अंतरा समा का है परवाना से परे चला जाओ, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आओ, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन डबल रिपीट है, तो जो सेकंड टाइम बजाएंगे तो उस टाइम ये दे सकते हो, ठीक है। ये डी 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 शार्प डी सी, ओके, ये सेकंड टाइम देना है। अभी इसका नेक्स्ट लाइन, मेरी तरह जल जाओ जाएगा यहाँ नहीं आ, तेरी मेरी तरह डी शार्प डी सी, डी शार्प डी सी, ओके, डी शार्प डी सी। ये डी शार्प के बारे में पहले बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ, ये सेंटर वाला लेने से भी चलेगा, ये लेने से भी चलेगा, डी पकड़ के लेना है इसको, ये भी डी शार्प है और ये भी डी शार्प है, ओके। तो सेम रिपीट, मेरी तरह, सेम डी शार्प डी सी, डी शार्प डी सी, जल जाएगा सी सी डी ए शार्प, ए शार्प सी सी ए, सी सी डी ए शार्प सी सी ए, ओके, क्लियर। जल जाएगा यहाँ नहीं आ, क्या है, ये भी जो पार्ट अभी लास्ट में दिया, दूसरा लास्ट टाइम में आएगा, तो इसका नोटेशन क्या, यहाँ नहीं आ, जी ए जी जी ए जी, यहाँ पे ए से डायरेक्ट सी का पंचिंग आके ए शार्प में जा रहा है, ए सी ए शार्प, नहीं आ,
उसके बाद ए, ए के बाद फिर ये भी लास्ट में आएगा, जी ए जी एफ, जी ए जी एफ, क्लियर। इतना ही गाना, फिर उसके बाद फिर सेम वही आ जाएगा, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, तो ये नोटेशन सेम है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, मतलब फिर मैं बता देता हूँ, वो नहीं सुनता है, क्लियर है। ये सेम है स्टार्टिंग वाला और ये सेम है, खामोखा टाइम बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, अगर समझ में नहीं आता है मुझे बताइएगा, उसका मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा। चलिए नमस्कार, बजाते रहिए, सीखते रहिए, अच्छा रहिए।